एक आदमी था जिसका नाम था सुलेमान। उसका एक दोस्त था जो कि पेशे से सुनार था। सुलेमान ने एक दिन अपने दोस्त को राजा के दरबार से बहुत उदास और परेशान लौटते हुए देखा। सुलेमान ने पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्यों बुलाया था राजा ने तुम्हें? सुनार ने कहा, क्या बताऊं मित्र, बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। राजा ने मुझे एक कार्य दिया है जिसे मुझे 7 दिनों के भीतर पूरा करना है। अगर मैं उस कार्य को करने में असमर्थ रहता हूँ तो राजा मुझसे मेरा व्यवसाय छीन लेंगे। सुलेमान बोला, तो तुम वह कार्य कर क्यों नहीं देते? सुनार ने उत्तर दिया, कैसे करूं, वह कार्य तो लगभग असंभव नजर आता है। सुलेमान ने कहा, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। सुनार ने बताया, मुझे एक सोने की अंगूठी बनानी है और उस पर ऐसा कुछ लिखना है जिसे राजा जब खुशी में पड़े तो उन्हें गम हो, ताकि वह खुशी में अपने मार्ग से भटक न जाएं, और जब वह उसे गम में पड़े तो उन्हें खुशी हो, ताकि वह निराशा की दलदल से बाहर निकल पाए। सुलेमान ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं बताता हूँ, तुम उस अंगूठी पर लिखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा, बुरा समय भी बीत जाता है और अच्छा भी, इसलिए सुख के दिनों में घमंड करना या दुख के दिनों में बिल्कुल हार मान लेना व्यर्थ है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे ही, पर जरूरी है आगे बढ़ते रहना।